हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हो एवरीवन। यूनिक अपर यूनिक पैरामाउंट साइंस एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि 3 सालों में जो साइंस एकेडमी ने जालौर के क्षेत्र में जो रिजल्ट दिया है वो सर्वोत्तम है, और उसी की बदौलत आज इसी जो साइंस एकेडमी ने ए ग्रेड स्टडीज चैनल के नाम से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो आप सभी के इस महामारी कोरोना महामारी की बदौलत घर बैठे और सेफ सुरक्षित स्टडी के लिए इस चैनल पर आप जाइए और इस चैनल के माध्यम से अपने ज्ञान को, अपने स्टडी को जारी रखिए। इसी के साथ मैं आज ज्योग्राफी आपके सामने पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। भूगोल, भूगोल को अंग्रेजी की भाषा में ज्योग्राफी कहते हैं। आपको पता ही होगा GEO ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो शब्द है वो दो ग्रीक शब्द से मिलकर के बना है। एक ग्रीक भाषा होती है और ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं। एक शब्द है जियो प्लस एक शब्द है ग्राफिया। ये ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं। ग्रीक भाषा, इन दोनों शब्दों से मिलकर के ज्योग्राफी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, या आप वर्णन करना भी कह सकते हो करना। कुल मिलाकर के अब जैसे ही हम अंग्रेजी भाषा की तरफ बढ़ते हैं तो ज्योग्राफी के लिए एक शब्द आपको मैंने लिख भी दिया है आगे, वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अब ये इंग्लिश भाषा का शब्द है। इसमें भी GEO इसका अर्थ होता है पृथ्वी और GRAPHY ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। अब दोनों में डिफरेंट है, ये ग्राफिया है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, और ये ग्राफी है, ये है अंग्रेजी भाषा का शब्द, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब कुल दोनों को मिला दें तो बनता है ज्योग्राफी शब्द, और ज्योग्राफी को हम सामान्य भाषा में अगर हम कह सकते हैं तो कहते हैं कि पृथ्वी का, पृथ्वी का विस्तृत अध्ययन करना ही भूगोल है। पृथ्वी के बारे में जो भी हम सूक्ष्म से लगा करके बड़े से बड़े जो वर्णन करते हैं, पृथ्वी का कण लगा करके, पृथ्वी की मृदा हो, पर्वत हो, कुछ भी किसी किसी का हम वर्णन करते हैं वो भूगोल के अंदर के आता है। अब ले चलते हैं आपको भूगोल के जनक के तौर पर। आपको पता होगा कि भूगोल के जनक के रूप में हेकेटियस नाम के एक भूगोलविद को जाना जाता है। भूगोलविद का नाम है हेकेटियस। भूगोल के जनक, भूगोल के जनक हैं हेकेटियस। एक भूगोलविद हैं जिनका नाम है हेकेटियस, इनको भूगोलविद के, भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। अब ज्योग्राफी शब्द एक GEO जो ज्योग्राफी शब्द है, ये शब्द है अंग्रेजी का। इस अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर्वप्रथम इसका प्रयोग एरिस्टॉटल
knees. नामक एक भूगोलविद ने किया था. एक भूगोलविद था जिसका नाम था एराटोस्थनीस. उसने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया. अब आपको मैं इसी के साथ आगे ले चलता हूँ और आज हम भूगोल के अंदर एक टॉपिक है, वो है राजस्थान के संदर्भ में. मैं आपको राजस्थान के संदर्भ में आज पढ़ाने जा रहा हूँ. राजस्थान की अवस्थिति अवस्थिति विस्तार आकृति व आकार, ये अपना टॉपिक है. लोकेशन एक्सटेंट शेप साइज ऑफ राजस्थान, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा. इसमें आपको पढ़ना है कि राजस्थान की अवस्थिति क्या है, राजस्थान का विस्तार कैसे है, राजस्थान का आकार कैसा है, राजस्थान की आकृति कैसी है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. सबसे पहले आपको भूगोल पढ़ने से पहले आपको मैप पढ़ना आना बहुत ही जरूरी है. अगर आपको मैप पढ़ना नहीं आ रहा है तो आप भूगोल को नहीं पढ़ सकते. आपको पहले मैप को पढ़ना आना जरूरी होगा और जैसे ही आपको मैप पढ़ना आना शुरू हो गया तो आप भूगोल को वैसे ही ज़्यादा कंट्रस्ट या ज़्यादा ग्रहण कर लोगे. आपको पता होगा कि सबसे पहले अपन को दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है. मैप पढ़ने से पहले सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है. ये आपका पूर्व रहा, इस दिशा में, इस दिशा में पश्चिम है. ऊपर का भाग आपका नॉर्थ कहलाता है, उत्तर जिसे कहते हैं आप, और ये साउथ का भाग जिसे आप दक्षिण भाग कहते हैं. इनका आपको ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है. सबसे पहले जब इनका ज्ञान हो जाता है तब आपको उसके बारे में अवस्थिति विस्तार और आकृति दिशा के बारे में भी ज्ञान जल्दी से हो जाएगा. अब आपको पता है, मैं आपके सामने एक भारत के मैप को बनाने जा रहा हूं. ऐसे करके भारत का मैप बना हुआ है, छोटा सा मैंने आपको दिखाया है, और इस भाग पे बना हुआ है राजस्थान. इस भाग पे, और ये भी एक दिशा है. आपको पता होगा कि इस दिशा, ये और ये दिशा, ये दिशा है उत्तर और ये पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच में जो बना हुआ है, जो भूभाग है, उसे हम राजस्थान के नाम से जाने जाते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिशा की. भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में जो भाग स्थित है उसे हम राजस्थान के नाम से जाने जाते हैं. यहाँ राजस्थान की दिशा के बारे में हम ज्ञात होता है कि उत्तर पश्चिम दिशा में, भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में ये जो राजस्थान अवस्थित है. अब आते हैं अक्षांश व देशांतर स्थिति. अब उसकी स्थिति क्या है, जो राजस्थान किस कोने में या किस पृथ्वी के किस भाग पर स्थित है, उसकी अक्षांश और देशांतर विस्तार क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं. सबसे पहले आपको पता होगा, मैं आपको मैप बना करके एक बार बता देता हूँ. इस प्रकार से राजस्थान का मैप बना हुआ है. आपको पता होगा ये वाला भाग उत्तर है, ये वाला भाग दक्षिण की ओर है, ये भाग आपका पूर्व है और ये भाग पश्चिम है. अब आपको दिशाओं का ज्ञान हो गया है. अब इसकी अक्षांश और देशांतर
आपको पता होगा जो ग्लोब होता है, मैं इधर आपको बता देता हूँ, ग्लोब होता है, ग्लोब पे जो सीधी लाइनें खींची जाती हैं, आपको पता होगा ये ग्लोब की लाइनें होती हैं, ग्लोब पर। इस प्रकार की लाइनें होती हैं, इन लाइनों को देशांतर कहते हैं, देशांतर। और जो आड़ी लाइनें खींची जाती है, तिरछी लाइनें जो खींची जाती है ग्लोब पर, ये लाइनें, इनको आप अक्षांश के रूप में जाने जाते हैं, ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखा, सबसे पहले आपको पता होगा कि भारत जो राजस्थान की स्थिति है, वो ये वाली यहाँ से अक्षांश रेखाएं हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो नाड़ी रेखाएं होती है वो अक्षांश रेखाएं होती है, और जो सीधी रेखाएं खींची जाती है ग्लोब पर वो देशांतर रेखाएं होती हैं। 30 डिग्री 12 सॉरी 23 डिग्री 7 और 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश पे, ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश। अब आपको देशांतर रेखाओं की ओर चलते हैं तो ज्ञात होता है कि 69 डिग्री 38 और 78 डिग्री 17 पे देशांतर, पूर्वी देशांतर रेखाओं पे अवस्थित है, ये पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं। पूर्वी देशांतर रेखाओं पे अवस्थित है राजस्थान। अब आपको विस्तार अवस्थिति का पता चल गया है कि राजस्थान की स्थिति क्या है, देशांतर ये स्थिति है राजस्थान की। नॉर्मल तौर पर हम कहते हैं कि 23 डिग्री 7 उत्तरी अक्षांश अक्षांश एवं 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अब देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 23 पूर्वी देशांतर एवं 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित हैं। अब आपको मैंने राजस्थान की स्थिति के बारे में बता भी दिया है, आगे चलते हैं। राजस्थान के आकार अवस्थिति की तो मैंने बता दिया, दिशा के बारे में बता दिया, क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर, ये पूरा राजस्थान का क्षेत्रफल है। अब इसको आप वर्ग मील में भी देख सकते हो, 121,140 वर्ग मील है, ये आपका विस्तार है। अब आपको आगे बढ़ना है और उसकी सीमा की ओर ध्यान देना है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल हो गया, राजस्थान का क्षेत्रफल के बाद में उनकी सीमाओं की ओर आपका ध्यान जाता है। तो ये आपका राजस्थान है, देखा होगा आपने मैप के अंदर, और इससे आगे निकलते हैं और ऐसे बना करके ये आपका राजस्थान है। यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है गंगानगर।
गंगानगर और गंगानगर का एक गांव है हिंदुमलकोट। हिंदुमलकोट से लगाकर यहां एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बाड़मेर। बाड़मेर का बाकासर गांव, बाकासर तक ये जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसको जो पाकिस्तान से बॉर्डर साझा करती है, ये आपका पाकिस्तान है और इसके जो साथ में राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो साझा होती है उसकी कुल लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी लंबाई हो गई, आपको पता हो गया कि गंगानगर हिंदुमलकोट से लगा करके बाड़मेर के बाकासर तक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो पाकिस्तान से बॉर्डर साझा करते हैं राजस्थान, उसकी कुल लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। अब आपको पता होगा कि यहाँ से लगा करके, मैं आपको बता रहा हूँ वापिस, अब आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाद में अंतर्राज्यीय सीमा, अब ये वाला भाग हो गया, तो अब ये वाला भाग रह गया राजस्थान का। ये वाला राजस्थान का भाग रह गया। यहां से लगा करके, गंगानगर से लगा करके यहां बाड़मेर तक, यहां पे आपको पता होगा सबसे पहले पंजाब राज्य है, यहां पे पंजाब राज्य है, उसके बाद में हरियाणा है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश आया हुआ है यहाँ पे, उसके बाद में मध्य प्रदेश है, एमपी जिसे आप बोलते हो, और उसके बाद में नीचे आया है गुजरात। राजस्थान है वो पांच राज्यों से अपनी बॉर्डर साझा करता है और इस बॉर्डर की कुल लंबाई, अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4,850 किलोमीटर है। अब आपको मैंने बता दी 1070 किलोमीटर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और 4,850 किलोमीटर है वो अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है। अब कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो गई आप बताओगे, तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,820 किलोमीटर हो गई। ये कुल स्थलीय सीमा की लंबाई हो गई। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है, अब आपको लेके चलता हूं राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की तरफ, तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है वो कुल क्षेत्रफल है 1,000,000 किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। आपको यह पता होगा कि राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट की तरफ।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे पहले आया गंगानगर ऊपर की तरफ, उसके बाद में आया बीकानेर, उसके बाद में आपका आता है जैसलमेर, और उसके बाद में आता है बाड़मेर। बाड़मेर गंगानगर के साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करता है वह है 210 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ गंगानगर अपनी बॉर्डर साझा करता है और 210 किलोमीटर। बीकानेर के साथ में अपने बीकानेर के साथ में पाकिस्तान अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करता है वो है 168 किलोमीटर। जैसलमेर के साथ में बॉर्डर साझा करता है, उसकी कुल लंबाई है 466 किलोमीटर। और बाड़मेर के साथ में जो बॉर्डर साझा होती है उसकी कुल लंबाई है 228 किलोमीटर। ये जो पाकिस्तान से बॉर्डर साझा करने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, ये गंगानगर है, ये पाकिस्तान के सबसे नज़दीक मुख्यालय हैं। पाकिस्तान के सबसे नज़दीक मुख्यालय की बात करें, पाकिस्तान के सबसे नज़दीक मुख्यालय की बात करें वो है गंगानगर। और सबसे दूर अगर बात करें तो वो है बीकानेर। सबसे दूर मुख्यालय पाकिस्तान से वो है बीकानेर। अब आपको बॉर्डर के बारे में भी पता चल गया, बॉर्डर की कुल लंबाई के बारे में भी पता चल गया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के बारे में भी पता चल गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो जिले हैं, गंगानगर है, उसके बाद बीकानेर है, उसके बाद में जैसलमेर है, और उसके बाद में बाड़मेर है। अब आते हैं जिलों का जो विस्तार है, जो क्षेत्रफल है, उनके आधार पर क्या है। आपको पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला राजस्थान में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला सबसे बड़ा जिला है वो है जैसलमेर। जिसका कुल क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। ये जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल है। जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल का 11.22% है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो है धौलपुर। धौलपुर का कुल क्षेत्रफल है वो है 3,033 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का
राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.88% है। आपको पता होगा कि धौलपुर का जो क्षेत्रफल है 3,033 किलोमीटर, वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.88% है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो है जयपुर। सबसे बड़ा जिला जयपुर, जिसकी जनसंख्या है 66.3 लाख। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो है जैसलमेर। ये आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी पता हो गया जैसलमेर है, जिसका 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो है धौलपुर। धौलपुर का जो क्षेत्रफल है वो है 3,033 वर्ग किलोमीटर और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.88% है। अब आपको आकार के बारे में बताते हैं कि इसकी आकृति कैसी है राजस्थान की। राजस्थान के जो मैप है उसकी आकृति है वो है विषम शतुर्भुजाकार। विषम यहां आप यहां पतंगाकार, पतंग के आकार की जैसी आकृति है राजस्थान की। आकृति के बारे में भी पता चल गया। अब आपको पता होगा कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो राजस्थान के दक्षिण शोर दक्षिण में दो जिलों से गुजरती है। पहला है डूंगरपुर, दूसरा है बांसवाड़ा। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, वो राजस्थान के दो दक्षिण जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित जिला है वह है गंगानगर। कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित जिला बांसवाड़ा है, इसलिए सूर्य की किरणें वो सबसे पहले
बांसवाड़ा पर सीधी पड़ती है और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट पर तिरसी पड़ती है, तो तापमान हमेशा रहेगा वो बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा रहेगा और गंगानगर में तापमान है वो कम रहेगा, क्योंकि सूर्य की किरण तिरसी पड़ेगी, वो डिस्टेंस पे है, कर्क रेखा की दूरी के बहुत दूर है, इसलिए वहाँ सूर्य की किरणें पहुँच पाने में बहुत समय लगता है। पर जैसे ही कर्क रेखा के जो नज़दीक रहेगा, कर्क रेखा के नज़दीक अपने सबसे नज़दीक है वो है बांसवाड़ा जिला, और बांसवाड़ा जिला नज़दीक होने के कारण सूर्य की किरणें हैं वो सीधी नीचे आती है और सीधी धरातल पर आती है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो गर्मी है वो भी ज़्यादा ही रहेगी। अब आपको पता होगा कि पूर्व में स्थित जो डिस्ट्रिक्ट है धौलपुर, यहां पे धौलपुर स्थित है, यहां पे है जैसलमेर, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा की ओर उदय होता हुआ बताया गया है हम सबको, और पूर्व दिशा में ही उदय होता है ऐसा मानना है भूगोलविदों का। अब जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्य उदय होगा, ये पूर्व दिशा है, यहाँ धौलपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो सबसे पहले सूर्य उदय है वो धौलपुर में होगा, सबसे पहले एवं अस्त धौलपुर में होगा। यहाँ लास्ट कौन रहे सूर्य, यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा, और यहाँ टाइम लगेगा जैसे ही यहाँ सूर्य की किरणें पहुँचेगी, पर सबसे लास्ट में यहाँ सूर्य अस्त होता हुआ, यहाँ सूर्य उदय हुआ दिखाई देगा सबसे बाद में, सबसे अंत में सूर्योदय एवं सूर्य अस्त होता दिखाई देता है जैसलमेर में। ये भी आपको पता चल गया कर्क रेखा के नज़दीक कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कर्क रेखा के दूर कौन सा है, सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ होता है, सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है दिखाई देता है। अब आपको ले चलते हैं एक बात आपको और रह गई, वो है आपकी अंतर्राज्यीय बॉर्डर, जो डिस्ट्रिक्ट है वो अंतर्राज्यीय बॉर्डर साझा करते हैं, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ में लगती है, जिसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा की सबसे ज़्यादा लंबाई है वो है मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर, और सबसे कम पंजाब राज्य के साथ में 89 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है वो मध्य प्रदेश के साथ में, और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है वो पंजाब राज्य के साथ में लगती है। अब आपको ले चलता हूँ राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के जिलों के बारे में। आपको पता होगा राजस्थान का एकीकरण हुआ था 1 नवंबर
1956 को राजस्थान का एकीकरण हुआ। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय राजस्थान में 26 जिले थे, 26 जिले थे। फिर 27वां जिला धौलपुर जिला 15 अप्रैल 1982 को अस्तित्व में आया। उसके बाद में 28वां दोसा, 29वां 12 और 30वां डिस्ट्रिक्ट राजसमंद। दस अप्रैल 1991 को स्थिति में आए। तीनों डिस्ट्रिक्ट 28वां दौसा, 29वां 12 और 30वां जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है वो 10 अप्रैल 1991 को अस्तित्व में आया। अब आता है 31वां डिस्ट्रिक्ट, 31वां जिला है, वो आता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को अस्तित्व में आया। उसके बाद में आता है 32वां जिला करौली। करौली डिस्ट्रिक्ट 19 जुलाई 1997 को यह अस्तित्व में आया। उसके बाद में आता है 33वां जिला वो है प्रतापगढ़। छब्बीस जनवरी 2008 को अस्तित्व में आया। अब कुल मिलाकर के वर्तमान में राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। मैंने ये भी बता दिया कब कौन सा जिला अस्तित्व में आया धीरे धीरे। अब आपको ले चलता हूँ संभागीय व्यवस्था की तरफ। जब हमारा राजस्थान का एकीकरण हुआ एक नवंबर 26 जिले, 5 संभाग थे। राजस्थान को 5 संभागों में बांटा गया था। अप्रैल 1962 को सुखड़िया साहब की सरकार आ गई। सुखड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था को को
समाप्त कर दिया। अप्रैल 1962 का समय है जब सुकड़िया सरकार बनी और उस समय सुकड़िया एमएलए सी सुकड़िया मोहनलाल जी सुकड़िया साहब जब मुख्यमंत्री बने उस समय संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। बात आती है जब छब्बीस जनवरी 1987 को जब हरिदेव जोशी की सरकार बनी तो उन्होंने संभागीय व्यवस्था को शुरू कर दिया और राजस्थान को 6 संभागों में बांटा। अब बात आती है जब 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार ने संभागीय व्यवस्था को वापस शुरू कर दिया और शुरू करने के बाद राजस्थान को 6 संभागों में बांटा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, जब हरिदेव जोशी की सरकार बनी तो उन्होंने राजस्थान को 6 संभागों में बांटा और वो ये संभाग थे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और अजमेर। बात आती है जब 4 जून 2005 की, तब एक नया संभाग अस्तित्व में आया, उसका नाम है भरतपुर संभाग। चार जून 2005 को एक नया संभाग अस्तित्व में आया, उसका नाम है भरतपुर संभाग। अब वर्तमान में कुल संभाग हैं 7। अब वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिया आपने, संभाग की व्यवस्था पढ़ ली, संभाग कितने हैं, कौन सा संभाग कब बना, ये भी आपने पढ़ लिया। अब आपको पता होगा कि संभाग के अनुसार जनसंख्या का वितरण भी है, धनत्व का वितरण भी है और लिंगानुपात का भी वितरण है। तो सबसे पहले आपको सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है वो है जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है वो है जयपुर।
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर है। साक्षरता प्रतिशत की दृष्टि से, साक्षरता की दर से सबसे बड़ा संभाग जयपुर है। अनुसूचित एससी अनुसूचित जनजाति की तरफ से भी सबसे बड़ा संभाग है वो है जयपुर। अब आपको राजस्थान के मैप की तरफ थोड़े और प्रकाश डाल रहा था हूं। ये आपका राजस्थान का मैप बना हुआ है। यह आपका राजस्थान का मैप बना हुआ है और यह आपका पूर्व भाग है। पश्चिम का भाग है, उत्तर का भाग है और यह दक्षिण का भाग है। आपको पता होगा कि यहां पे धौलपुर स्थित है। ये वाला जो किनारा है धौलपुर के राजखेड़ा तहसील का सिलोन गांव, यहां से लगा करके यहां तक जैसलमेर सम तहसील के कटरा गांव तक जो ये कुल लंबाई है 869 किलोमीटर है। अब आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो उत्तर में गंगानगर के कोणा गांव से लगा करके बांसवाड़ा के बोरकुंड गांव तक ये आपकी जो लंबाई है 826 किलोमीटर है। अब 869 और 826 के बीच में, इस क्षेत्रफल के बीच लंबाई और चौड़ाई के बीच में कुल मिलाकर के 43 किलोमीटर का डिफरेंट है, अंतर है। ये अंतर है वो 43 किलोमीटर है, 869 है, 826 है। अब इन दोनों में डिफरेंट आप देख सकते हो कि 869 यहाँ से ये पूर्व से लगा करके पश्चिम तक 869 किलोमीटर और उत्तर से लगा करके दक्षिण तक की जो राजस्थान की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। अब आपको पता होगा कि यहाँ से बॉर्डर साझा करते हुए यहाँ तक 5 राज्य हैं। राजस्थान से लगने वाले अंतर्राज्यीय सीमा की जो स्थित राज्य हैं वह पंजाब, उसके बाद में हरियाणा आता है, उसके बाद में नीचे आते ही उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद में मध्य प्रदेश आता है और नीचे आता है गुजरात। ये 500 राज्य हैं जो राजस्थान से बॉर्डर साझा करते हैं। सबसे अधिक बॉर्डर साझा करने वाला राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश है और सबसे कम बॉर्डर साझा करने वाला वो राज्य है पंजाब है। पंजाब राज्य के साथ में और दो कॉम ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ऐसे 4 जिले हैं जो कॉमन अंतर्राज्यीय दो राज्यों की सीमा बनाते हैं। पंजाब की बनाता है, इधर हरियाणा की भी बनाता है, वो है हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिला ऐसा है पंजाब की भी बॉर्डर साझा करता है और हरियाणा की भी बॉर्डर साझा करता है। उसके बाद में आता है भरतपुर, दूसरा जिला है भरतपुर। भरतपुर जिला है वो हरियाणा के साथ में बॉर्डर साझा करता है और उत्तर प्रदेश के साथ में भी बॉर्डर साझा करता है। उसके बाद में आता है धौलपुर और उसके बाद में आता है बांसवाड़ा। आपको पता होगा ये दो राज्यों से बॉर्डर साझा करता है, एक तो पंजाब, दूसरा राज्य है हरियाणा।
ये भी दो राज्यों से बॉर्डर साझा करता है, एक है हरियाणा, दूसरा है उत्तर प्रदेश। ये डिस्ट्रिक्ट भी दो राज्यों से बॉर्डर साझा करता है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे है मध्य प्रदेश। बांसवाड़ा है, ये भी दो राज्यों से बॉर्डर साझा करता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है और एक गुजरात है। ये चार जिले ऐसे हैं जो दो राज्यों से बॉर्डर साझा करते हैं, ऐसे चार जिले हैं। आपको पता होगा 30 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं। राजस्थान के 23 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं। आठ जिले ऐसे हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करते हैं न अंतर्राज्यीय बॉर्डर साझा करते हैं। आठ जिले ऐसे हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करते हैं न अंतर्राज्यीय साझा करते हैं। 23 और 8 डिस्ट्रिक्ट ये हो गए। अब आपको पता होगा कि जो पाली डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्टों से अपनी बॉर्डर साझा करता है, वो है 8 डिस्ट्रिक्ट। पाली एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्टों से अपनी बॉर्डर साझा करता है, वो है 8 डिस्ट्रिक्टों से अपनी बॉर्डर साझा करता है। अब आपको पता होगा कि यहां से लगा करके गंगानगर से लगा करके बांसवाड़ा तक, यहां एक गंगानगर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी साझा करता है। गंगानगर गंगानगर है अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा साझा करता है। ऊपर सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट है और एक डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर। बाड़मेर भी पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर साझा करता है और गुजरात के साथ में भी बॉर्डर साझा करता है। ऊपर है गंगानगर तो वो पाकिस्तान के साथ में भी बॉर्डर साझा करता है और उसके बाद में पंजाब है उसके साथ में भी बॉर्डर साझा करता है। तो दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा साझा करते हैं, गंगानगर और बाड़मेर।